हेलो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर हैनिमेनियन होम्योपैथी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने अपने लास्ट डिस्कशन में मैंने कहा था कि हम आर्निका की जो इंजरी है वो डिस्कस जरूर करेंगे दूसरी मेडिसिन से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इंजरी होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही मेडिसिन आती है, वो आती है आर्निका या रस्टॉक्स की तरफ जाते हैं हम, या कुछ और दवाइयाँ कैलेंडुला आ गई इनकी तरफ। यही तीन चार दवाइयाँ जो हैं इंजरी के दौरान हमारे दिमाग में आती हैं। बट मैं आज आपके साथ 19 अलग अलग मेडिसिन को डिस्कस करूंगा और किस तरह से कौन सी मेडिसिन को कब इस्तेमाल करना है वो आज हमने डिस्कशन करना है। और आपके पास एलन्स की नोट जरूर हो, और एलन्स की नोट से हम बाहर नहीं जाएंगे आज। तो आर्निका में इंजरी है, स्पेशली मैकेनिकल इंजरी, और इस मैकेनिकल इंजरी को आर्निका कब प्रिस्क्राइब करनी है और आर्निका किस तरह से दूसरी दवाइयों से अलग है वो डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले जो आर्निका की मेन कॉन्सेप्ट है वो है फॉर अ बैड इफेक्ट्स ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी इवन इफ रिसीव्ड ईयर अगो। मैकेनिकल इंजरीज एस्पेशली विथ स्टूपर फ्रॉम कंकशंस इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन। तो यहां पर मैकेनिकल इंजरी है, चाहे वो बहुत साल पहले आई हो, और ऐसी मैकेनिकल इंजरी जिसमें पेशेंट बेहोश हो गया हो, स्पेशली फ्रॉम कंकशन। कंकशन क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको दो वर्ड मिलेंगे, पहला है जारिंग और दूसरा है कंकशन। जारिंग होते हल्का सा झटका, जब आप किसी बस में जाते हो तो हल्के 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 झटके लगते हैं, तो वो होती है जारिंग। कंकशन होता है बहुत सीवियर झटका लगना, कोई सिर पे चीज लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, जाते जाते कोई किसी ने सिर पर ईंट मार दी, दिस इज कंकशन, जो बहुत जोर से झटका लगता है। और आर्निका में, आर्निका तब तक एप्लीकेबल है जब तक एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई। इफ देयर इज एक्सटर्नल इंजरी, आर्निका आप बाद में सोचिएगा। स्किन फट गई है तो आर्निका कभी मेडिसिन नहीं आएगी। ब्रूज, स्पेशली ब्रूजिंग, किसी ने डंडा मार दिया और वहां पर नील पड़ गया, एक्सटर्नल इंजरी कुछ नहीं है बट वहां पर नील पड़ गया, इस तरह की सिचुएशन के लिए आर्निका का इस्तेमाल किया जाता है। और रीएब्जॉर्बेंट कहा जाता है आर्निका को। और रीएब्जॉर्बेंट क्या है कि वो जो ब्लड इकट्ठा हो गया है वहां पर, उसको वहां से रिमूव करने के लिए हम जिस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं उसे रीएब्जॉर्बेंट कहते हैं, जो आर्निका में है, और आर्निका एक्ट एज ए रीएब्जॉर्बेंट। दूसरा,
आर्निका की सिचुएशन इस कदर चली जाती है कि कंकशन के बाद यूरिन और फीसिस पर कंट्रोल नहीं रह जाता। ये की सिम्टम है कंकशन के बाद, अगर यूरिन और फीसिस ना रुके, और ये आर्निका एक सिंगल मेडिसिन है, इनवॉलंटरी फीसिस एंड यूरिन आफ्टर कंकशन, आफ्टर कंकशन रुकता नहीं, मैं रोक नहीं पाता, इनवॉलंटरी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, दिस इज आर्निका, स्पेशली आफ्टर इंजरी। तो जब हम सोचते हैं, जब हमारे पास कोई इंजरी का केस आता है, तो हम ज्यादातर इस तरफ जाते हैं। बट इसके साथ साथ और कौन सी दवाइयां हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आर्निका के सिवाय? कंकशन ऑफ ब्रेन अगर ले लें, क्योंकि कंकशन ऑफ द ब्रेन में ही पेशेंट का जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है बॉडी पर वो खत्म हो जाता है। इंजरी सिर पे इंजरी हुई है, और इंजरी के बाद पेशेंट को इनवॉलंटरी स्टूल और फीसिस और यूरिन आना शुरू हो गया, उसे पता ही नहीं चलता कि कब यूरिन और फीसिस निकल जाती हैं। इसके साथ सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन हो तो एक और दवाई है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में लिखा है कि कंकशन ऑफ द ब्रेन फ्रॉम फॉल और ब्लो वेयर स्किन इज कोल्ड एंड बॉडी बाथ इन कोल्ड स्वेट। अब देखिए, जस्ट देखना है और मेडिसिन आपकी रेडी है, सिर पे चोट लगी, यूरिन और फीसिस बिल्कुल नॉर्मल है, बट डॉक्टर साहब मैंने इसको देखा कि इसका पूरे शरीर पर ठंडा पसीना, शरीर ठंडा हो गया था, पता नहीं क्या बात है, इंजरी हुई है इसे, सिर पे इंजरी हुई है, मगर ये इसको बहुत ठंडा ठंडा शरीर हो गया, और हल्का हल्का पसीना था। दिस इज द की नोट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर कंकशन ऑफ द ब्रेन, आफ्टर कंकशन ऑफ द ब्रेन। इफ देर इज ए इनवॉलंटरी फीसिस एंड यूरिन आर्निका, इफ देर इज ए कोल्ड स्वेट, कोल्ड स्किन, और आफ्टर कंकशन ऑफ द ब्रेन सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों डिफरेंस, सिचुएशन एक है, दवाइयां अलग है। उसके बाद लिखा है कि टेंडेंसी टू गैंग्रीन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरी स्पेशली इन द ओल्ड। यहां आर्निका की वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड से कम है, कि अगर पेशेंट्स में, स्पेशली ओल्ड पेशेंट में चोट लगने के बाद वहां पर गैंग्रेन की फॉर्मेशन हो जाए और आर्निका काम ना करे, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ जा सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में है ऐसा कि बूढ़ों में गैंग्रीन बन जाता है आफ्टर इंजरी। उसके बाद है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी विद ब्रूज, चैफिंग, इंजरी बाय रबिंग और फ्रिक्शन, और लिविड स्किन एंड प्रोस्ट्रेशन। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वहां, यहां पर, वो है प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, कमजोरी आफ्टर इंजरी, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आती है वो आती है एसिटिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड से भी
कहीं ज्यादा प्रोस्टेशन पैदा करती है। सल्फ्यूरिक एसिड में लिखा है प्रोस्टेशन, दिस इज सिंपल वर्ड, बट एसिटिक एसिड में उन्होंने इस प्रोस्टेशन के आगे एक वर्ड जोड़ दिया है, वो है ग्रेट, ग्रेट प्रोस्टेशन, ग्रेट प्रोस्टेशन। इतनी ज्यादा प्रोस्टेशन कि उस बंदे से उठा भी नहीं जा रहा, इतनी ज्यादा वीकनेस। और उसमें लिखा है ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थीसिया। पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया गया, पेशेंट को इंजरी हो गई, पेशेंट को कोई मैकेनिकल शॉक, सर्जिकल शॉक, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो पेशेंट शॉक में है और उसके बाद उसको प्रोस्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अब उठ भी नहीं पाता। एसिटिक एसिड, ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरीज। उसके बाद जो बहुत कॉमन है और ज्यादातर इसे इंजरीज में इस्तेमाल नहीं करते लोग और ना ही सोचते हैं, वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज इंजरीज में बहुत इफेक्टिव काम करती है, पर ये करती कब है? इन डायरेक्टली आप इसको इंजरीज के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते, बट इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया है। कार्बोवेज में पर्सन हु हैव नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग एगो इंजरी। पीछे जाइए और आर्निका पढ़िए, उसमें लिखा है फॉर बैड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज इवन इफ रिसीव्ड ईयर अगो। दोनों में डिफरेंस है, कई सालों पहले उसे मैकेनिकल इंजरी हुई थी, वो तब ठीक हो गई थी, मगर अब उसके बैड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए, तब वो ठीक हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब मैं छत से गिर गया था और मेरे जो लोअर बैक है वहां पर इंजरी हो गई थी, मैंने मेडिसिन ली, ठीक हो गई थी, पता नहीं या 3-4 साल बाद आज फिर से वहीं पर मुझे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गया, इतना ज्यादा पेन डॉक्टर साहब मैं उठ ही नहीं पाता, खड़ा सीधा नहीं खड़ा हो पाता। दिस इज बैड इफेक्ट्स। एक लेवल के बाद उसके अंदर बैड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए, उसमें अकड़ाहट आनी शुरू हो गई, उसमें पेन दोबारा शुरू हो गया। सालों पहले इंजरी हुई थी बट फिर से उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो गए, ये आर्निका है। मगर दूसरी तरफ देखिए, कार्बोवेज में लिखा है कि पर्सन हु नेवर फुली रिकवर फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ इंजरी ईयर अगो। बहुत साल पहले उसको इंजरी हुई थी मगर आज तक वो बंदा उस कंडीशन से उभर ही नहीं पाया। डिफरेंस बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है, बट ये दोनों दवाइयां डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं। बट आपको सिर्फ सुनना है कि वो कहना क्या चाहता है, क्या वो फुली रिकवर हो गया था या आज तक वो फुली रिकवर हुआ ही नहीं, ये आपको ढूंढना है, ये आपको ढूंढना है। दिस इज द इंडिकेशन कि आर्निका और कार्बोवेज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हो गए, कैसे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और एनीमिक पर्सन हु वर्चुअली हैज बिकम वीक एंड एग्जॉस्टेड, ये कार्बोवेज है।
ऐसा पर्सन जो अभी तक सालों पहले उसको इंजरी हुई थी, अभी तक वो उस इंजरी से उभर नहीं पाया और धीरे 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 उसको वो डिस्टर्ब करना शुरू कर गई, उसने ब्लड को डिस्टर्ब कर दिया, वो पेशेंट एनीमिक होना शुरू हो गया और उस एनीमिया के कारण अब वो एग्जॉस्ट है, वीक है, कमजोर है। ये सारी चीजें उसे कार्बोवेज की तरफ लेके जाती है। यहां पर कार्बोवेज आएगी। फोर्थ मेडिसिन जो है वो है साइक्यूटा। साइक्यूटा वेरोसा में आर्निका और ये सल्फ्यूरिक एसिड को पीछे छोड़ती है साइक्यूटा, और इसमें लिखा है कि इंजूरियस क्रॉनिक इफेक्ट्स फ्रॉम कंकशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन एस्पेशली, और स्पेशली लिखा है कि पेशेंट को ब्रेन या स्पाइन में इंजरी हुई थी, क्रॉनिक हो चुकी है, बहुत लंबे टाइम पहले हुआ था, मगर उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। और वो इफेक्ट्स क्या थे? वो थे स्पाज्म, ट्रिसमस, टेटनस, इवन स्प्लिंटर जो होता है, जो फ्लश में चला जाता है, जो स्किन में चला जाता है, उसके कारण भी उसको इस तरह की कंडीशन पैदा हो गई वहां पर, साइक्यूटा वेरोसा। सालों पहले इंजरी हुई थी उसको, क्रॉनिक हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, मगर उसके बाद अब उसको फिट्स आने शुरू हो गए हैं, उसको स्पाज्म आते हैं, उसको टेटनस की तरह होना शुरू हो गया है, तो साइक्यूटा वेरोसा। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है कोनियम। कोनियम आर्निका के बहुत सारे वर्क को पूरा करती है। मैं आपको एक पेशेंट बताता हूं। मेरे पास एक पेशेंट आया था और उसकी इस उंगली पर चोट लगी थी। चोट लगने के बाद ये उंगली इस तरह से नहीं होती थी, सिर्फ ऐसे ही रहती थी, और पूरे इस हिस्से में बहुत ज्यादा हार्डनेस, बहुत ज्यादा स्टिफनेस, पेन कम था, हार्डनेस बहुत थी, हार्डनेस इतनी कि पत्थर जैसी। और सिमिलर कंडीशन उस पेशेंट के बच्चे को थी जहां पर उसके जो काफ मसल हैं वहां पर फुटबॉल लगी, और फुटबॉल लगने के बाद वो काफ मसल पत्थर की तरह हो गया, पत्थर की तरह, इतना ज्यादा हार्ड। और ये दोनों केस कोनियम से निकले थे, स्टोनी हार्डनेस। और कोनियम में लिखा है ग्लैंडुलर इंड्यूरेशंस ऑफ स्टोनी हार्डनेस ऑफ मैमा टेस्टिकल इन पर्सन ऑफ कैंसरियस टेंडेंसी आफ्टर ब्रूज इंजरी ऑफ द ग्लैंड। ब्रूज के बाद या ग्लैंड की इंजरी के बाद अगर उस पेशेंट के मसल्स में, ग्लैंड्स में, मैमा में, टेस्टिकल्स में स्टोनी हार्डनेस आ जाती है, इतनी ज्यादा हार्डनेस कि आप उसको दबा भी नहीं सकते, then you can use कोनियम। और ये कोनियम wonderful work करती है, बहुत बढ़िया। देखिए आर्निका bruising है, but आर्निका use as a reabsorbent। आर्निका में stony hardness नहीं है, आर्निका रीएब्जॉर्बेंट का काम करती है। इंजरी हुई, उसके नीचे ब्लड इकट्ठा हो गया, उस ब्लड को अगर रीएब्जॉर्ब करना है तो हम आर्निका की तरफ जाते हैं। बट आर्निका से और भी कुछ दवाइयां हैं जो एज ए रीएब्जॉर्बेंट का काम करती हैं, बट आर्निका जो है
वो इसमें इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो रेमेडी है उसका मैक्सिमम लोगों ने आज तक इंजरी में कभी भी इसे यूज नहीं किया होगा, वो है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया को इंजरी में इफेक्ट, जो इंजरीज के इफेक्ट हैं उसमें यूज करते हैं, और उसमें लिखा है यूफ्रेशिया में बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल, गिरने के बाद कंफ्यूजन और मैकेनिकल इंजरी ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट। और हम ज्यादातर किस तरफ भागते हैं? आर्निका की तरफ। मगर यहां पर यूफ्रेशिया में लिखा गया है कि बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल कंकशन और सॉरी कंफ्यूजन और मैकेनिकल इंजरीज ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, कैटरल इफेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्बर स्पेशली द आईज एंड नोज, आंख पर चोट लग गई और उसके बैड इफेक्ट्स में आईज और नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर इफेक्ट होती है तो आर्निका की जगह हम यूफ्रेशिया की तरफ जाएंगे, बिकॉज यूफ्रेशिया आल्सो कवर द मैकेनिकल इंजरी। तो वहां पर कोई और मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, यूफ्रेशिया कैन कवर मैकेनिकल इंजरी। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन, और ग्लोनाइन में लिखा है कि बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट फर्स्ट पार्ट, बैड इफेक्ट ऑफ फ्राइट, जहां पर ज्यादातर हम एकोनाइट या ओपियम की तरफ जाते हैं, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फ्राइट फियर आल्सो कवर्ड बाय ग्लोनाइन, एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरी एंड देयर लेट कॉन्सिक्वेंसेस। इंजरी हो गई ब्रेन, सिर पे इंजरी होगी, मैकेनिकल इंजरी हो गई, और उसके बाद जो उस मैकेनिकल इंजरी के लेट कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वहां पर भी ग्लोनाइन कवर करती है अगर उस पेशेंट को सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम आ जाए तो। देखिए मेन रूट कॉज यहां पर मैकेनिकल इंजरी है, मगर उसकी जो ब्रांचेस हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन की तरफ लेकर जाएंगी, जिसमें आर्निका भी आएगी, सल्फ्यूरिक एसिड आएगी, एसिटिक एसिड आएगी, कार्बोवेज आएगी, साइक्यूटा आएगी, कोनियम आएगी, ग्लोनाइन आएगी, यूफ्रेशिया आएगी, ये इसकी ब्रांचेस हैं, मगर मेन कॉज क्या है यहां पर? मैकेनिकल इंजरी। हेड ट्रबल, हेड की प्रॉब्लम, हेडेक, एक्सेसिव हेडेक आफ्टर मैकेनिकल इंजरी, और इतना ज्यादा हेडेक कि ऐसा लगता है कि सिर्फ फट जाएगा, ग्लोनाइन की तरफ जा सकते हैं। ये जो दवाइयां हैं ये क्लोज इंजरी को कवर करती हैं, यानी कि यहां पर बाहरी तौर पर स्किन रैप्चर नहीं हुई है, स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं आया, अभी इंजरी नहीं है, एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, मगर इंटरनल इंजरीज हैं, इंटरनल इंजरीज हैं, वहां पर रीअब्सॉर्बेंट की जरूरत है यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर इंजरी हुई है मगर एक्सटर्नल रैप्चर ऑफ द स्किन भी हुआ है, एक्सटर्नली जो स्किन है वो रैप्चर हो गई है। उसमें पहली मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस में क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरी, और इसके ब्रैकेट में लिखा है कोनियम, यानी कि ये कोनियम और हेमामेलिस दोनों इक्वल लेवल पर इस मैकेनिकल इंजरी को कवर करते हैं, मगर दोनों में
रूट जो डिफरेंस हम देखेंगे कि यहां पर हेमामेलिस में ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस है, नोज ब्लीड ट्रोमेटिस है, वाउंड इनसाइज लैसिरेटेड कंट्यूज्ड इंजरी फ्रॉम फॉल चेक हेमरेज रिमूव पेन एंड सोरनेस। इंजरी के बाद ब्लीडिंग की तरफ पेशेंट ज्यादा चला जाता है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, डॉक्टर साहब रुक ही नहीं रही, हेमामेलिस। और इंजरी के बाद अगर वो पार्ट स्टोनी हार्डनेस की तरफ चला जाता है, ब्लीडिंग कम होती है, नहीं होती तो कॉर्निया। मैकेनिकल इंजरी है, सेम कॉज है, सेम इफेक्ट्स हैं, मगर डिफरेंस ब्लीडिंग और स्टोनी हार्डनेस का है। अगर बहुत पुरानी इंजरी भी होगी मगर स्टिल ब्लीडिंग हो रही है तब भी हेमामेलिस ही रहेगी, डिफरेंस नहीं आएगा, कोई और दवाई नहीं आएगी यहां पर। उसके बाद है हाइपेरिकम, हाइपेरिकम और साइक्यूटा ज्यादातर सिमिलर मेडिसिन है क्योंकि दोनों में टेटनस प्रोडक्शन होती है, टेटनस प्रोड्यूस होता है, टेटनस के सिम्टम आते हैं इनमें। हाइपेरिकम टेटनस आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज, इंजरी होगी उसके बाद धीरे 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 वो पेशेंट टेटनस की तरफ जाता है, तो ये हाइपेरिकम है। और हाइपेरिकम के बाद साइक्यूटा आती है क्योंकि साइक्यूटा में लिखा हुआ है कि इंजूरियस क्रॉनिक इफेक्ट्स, नॉट एक्यूट इफेक्ट्स, क्रॉनिक इफेक्ट्स, बहुत लंबे टाइम बाद अब उसमें ये सिम्टम आने शुरू हो गए। देखिए जब भी आप मेडिसिन को देखते हैं तो उसके अंदर लिखी एक एक चीज जो स्पेशली कीनोट्स हैं, एलन्स कीनोट है या बोगर की कीनोट्स है, उसमें एक एक वर्ड के बहुत डीप मीनिंग है और वो इफेक्टिव हैं, मगर उसको जो उसके रूल एंड रेगुलेशन है उसी के अनुसार आपको प्रिस्क्राइब करना होगा। और टेटनस हुआ है, डायरेक्टली आप साइक्यूटा दे रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगी, तो आपको ये रीजन ढूंढने होंगे कि उसको ये वर्क क्यों नहीं किया, उसने मेडिसिन ने काम क्यों नहीं किया। तो रीजन आपको पेशेंट बताएगा जो, या पेशेंट की हिस्ट्री बताएगी। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम में जो प्रॉब्लम आती है वो ओवर लिफ्टिंग से आती है, ओवर एक्सर्शन से आती है या फॉल से आती है, गिर गया, एक्सेसिव वजन उठा लिया, ओवर एक्सर्शन कर लिया, ओवर लिफ्टिंग कर ली, ये मिलीफोलियम में है। तो इसमें क्या होता है कि कफ आफ्टर फॉल, पेशेंट गिर गया, गिरने के बाद अब उसको खांसी नहीं जा रही। देखिए दिस इज कनकॉमिटेंट, इंजरी हुई है उसको खांसी हो गई, खांसी नहीं जा रही, डॉक्टर साहब जब से मैं गिरा हूं उसके बाद पता नहीं मुझे खांसी लगी, आज तक ठीक नहीं हुई। मिलीफोलियम, कफ विद राइजिंग ऑफ ब्राइट ब्लड, डॉक्टर साहब जब मैं खांसता हूं तो खून आता है और खून बिल्कुल ब्राइट, जमा हुआ नहीं, ब्लैक खून नहीं, बिल्कुल प्योर ब्लड जैसे अभी निकला हो। पेल्पिटेशन आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से छत से गिर गया, तो मिलीफोलियम का दायरा है ये। तो यहां पर एक एक चीज को हमें ब्रेन में रखना होगा और जब आप केस ले रहे हैं तो ये सिम्टम कोरिलेट जरूर करने चाहिए। रूटा ट्यूबरक्लोसिस हो जाए अगर, और ये केस मैंने देखा है
मैं अबोहर में था, वहां पर डॉक्टर चैटर्जी हैं, वहां पर ये केस आया था। और उस पेशेंट, वो जो पेशेंट था वो कबड्डी खेलता था और उसके यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का बहुत बड़ा स्टोनी हार्डनेस जैसा ग्रोथ थी और उसको रूटा दिया गया था थाइसिस ट्यूबरक्लोसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरी रूटा, और रूटा में आर्निका और रस्टोक्स के सिम्टम एक ही टाइम पर मिलते हैं। आप पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट में आर्निका के सिम्टम भी आ रहे हैं, पेशेंट में रस्टोक्स के सिम्टम भी आ रहे हैं, तो ये रूटा है, ना ये आर्निका है ना ये रस्टोक्स है, दिस इज रूटा। और ट्यूबरक्लोसिस थाइसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरी इज रूटा। उसके बाद है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम में मैकेनिकल इंजरी है, ब्लो ब्रूज ये सारा कुछ है उसमें, मगर सिम्फाइटम आती है आफ्टर आर्निका। जब आप एलन्स की नोट का लास्ट पार्ट देखेंगे वहां पर लिखा गया है कि आफ्टर आर्निका कि जब पिर्सिंग सोरनेस पेरियोस्टियम में रह जाती है और आर्निका उसे कवर नहीं कर पाती, तब हम सिम्फाइटम का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ आप सभी जानते हैं कि मेंटल ट्रूमेटिज्म। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मेंटल ट्रूमेटिज्म क्या होता है। मेंटल ट्रूमेटिज्म कोई डायरेक्ट इंजरी नहीं है, कोई सिर पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेंटल ट्रोमेटिज्म है कि ऐसे हालात जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे मगर फिर भी आपको देखने को मिल गए, दिस इज मेंटल ट्रोमेटिज्म। ऐसी सिचुएशन जहां पर आप ना चाहकर भी आपको जाना पड़ा। मैं आपको यहां पर, यहां कनाडा की एक कंडीशन बताता हूं। आप पिछले एक हफ्ता पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में एक लेडी और तीन छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। और जब उनके परिवार के किसी मेंबर को ये पता चला कि ये हो गया, दिस इज मेंटल ट्रोमेटिज्म। मेंटल ट्रोमेटिज्म, दिस इज मेंटल ट्रोमेटिज्म, अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप सपने भी में भी नहीं सोच सकते कि ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड, दिस इज मेंटल ट्रोमेटिज्म। गहरी चोट लगना, इंडिया में एक ही एक पेशेंट मेरे पास और आया था और उसका 18 साल का बेटा एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और वो उसके बाद से डिस्टर्ब रह गया, बीमार हो गया, दिस इज मेंटल ट्रोमेटिज्म। बाहरी चोट नहीं नजर आएगी आपको, कुछ भी नहीं आएगा, बट मेंटल ट्रोमेटिज्म और फिजिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी में ये डिफरेंस है और ये आपको ढूंढना है कि उसके पीछे रीजन क्या है। मेंटल ट्रोमेटिज्म, और ये मेंटल ट्रोमेटिज्म नेट्रम सेल्फ कवर करती है। मेंटल इफेक्ट्स पैदा होते हैं, क्रॉनिक ब्रेन इफेक्ट्स ऑफ ब्लो और फॉल, बट सेम टाइम पर अगर सिर में इंजरी होती है उसको भी नेट्रम सेल्फ कवर करती है, मगर आपको मेंटल ट्रोमेटिज्म को फिजिकल ट्रोमेटिज्म से अलग करके देखना होगा, तब नेट्रम सेल्फ समझ में आएगी।
उसके बाद है कैम्फर। कैम्फर में लिखा गया है कि बैड इफेक्ट्स ऑफ शॉक फ्रॉम इंजरी, सरफेस ऑफ बॉडी कोल्ड, फेस पेल ब्लू, लिप्स लिविड, प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, सरफेस कोल्ड टू टच येट कैनॉट बियर टू बी कवर थ्रू ऑफ ऑल कवरिंग। देखिए यहां पर कैम्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में डिफरेंस। सल्फ्यूरिक एसिड में लिखा है कि इंजरी के बाद अगर पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, पसीना आता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड दे सकते हैं। मगर यहां पर सिमिलर कंडीशन है कैम्फर में कि उसको ठंडा पसीना आता है मगर फिर भी उसे ठंड नहीं लगती। दोनों में डिफरेंस है, ठंडा पसीना है मगर फिर भी उसे ठंड नहीं लगती। दिस इज कैम्फर। और उसके बाद है रूटा। रूटा मैं आपको बता चुका हूं, और रूटा में लिखा है आफ्टर आर्निका इट हैसन द क्यूरेटिव प्रोसेस इन द जॉइंट आफ्टर सिम्फाइटम इन इंजरीज ऑफ बोन, कि इस दवाई का इस्तेमाल आर्निका के बाद किया जाता है जब जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट हो, और आफ्टर सिम्फाइटम किया जाता है जब बोन की इंजरी हो गई। यह उसकी प्रोसेस को बहुत जल्दी कर देती है। आर्निका में एक और सिम्टम है, वो लिखा है कंपाउंड फ्रैक्चर एंड देयर प्रोफ्यूज सपुरेशन। ये कैलेंडुला में है आर्निका, उसमें काम बहुत कम करती है, नहीं कर ना के बराबर करती है, मगर कैलेंडुला जहां पर इंजरी और सपुरेशन दोनों इकट्ठे हो जाएं। और कैलेंडुला में लिखा हुआ है कि अगर टाइम रहते कैलेंडुला प्रिस्क्राइब कर दी जाए तो ये वहां पर पस फॉर्मेशन नहीं होने देती। इवन कि सर्जिकल शॉक कट में भी, लैसिनेटेड वाउंड में भी हम कैलेंडुला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैं वो दवाइयां जो इंजरी को कवर करती हैं। और आपने इसके बारे में सुना, और अगर आपके इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का भी सवाल हो, तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनके आंसर दूं। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि डॉक्टर हैनिमन ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि ऑर्गेनिन की कोई होंद नहीं है होम्योपैथी में, और जस्ट रूब्रिक उठाए और मेडिसिन दे दी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑर्गेनिन की बहुत वैल्यू है, और ऑर्गेनिन के बिना होम्योपैथी बिल्कुल अधूरी है। रूल एंड रेगुलेशन आपको आने चाहिए, और आप उन्हें पढ़िए, समझिए, और जहां पर आपको लगता है कि ये हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, प्लीज़ पूछिए। क्योंकि आपके चारों तरफ बहुत से टीचर ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड हैं होम्योपैथी को लेकर, और उनके पास इतना खजाना है कि आप भरते रह जाएगा पर वो खाली नहीं होगा। और डिस्कशन बहुत जरूरी है, ईगो छोड़िए, डिस्कशन कीजिए। आप हम सभी एक लेवल पर खड़े हैं, मगर समझना ये है कि हमें इसे आगे कैसे लेकर जाना है। होम्योपैथी कोई डिफरेंस नहीं है, इसके कोई डिफरेंट स्कूल नहीं है। होम्योपैथी को बांट जरूर दिया गया है, सबने अपना अपना नाम लेकर, बट दिस पैथी इज ओनली वन। और इसके जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको अप्लाई करके देखिए, कैंसर तक ठीक होता है। मगर हमें पेशेंसली
और मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जब भी आप केस लेते हैं तो बिल्कुल सुस्त हो जाइए, बिल्कुल शांत रहिए, उसको बोलने दीजिए जो भी वो कहना चाहता है, एक घंटा दो घंटा जितना टाइम भी वो आपको बोलना चाहता है उसको बोलने दीजिए, क्योंकि केस लेते वक्त आपको बिल्कुल ढीले रहना है, मगर मेडिसिन आपको क्विकली प्रिस्क्राइब करनी है। तो इसके इस आज की डिस्कशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपको, आप पूछिए। और ये जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, फेसबुक पर नहीं मिलेगी। और जिन्होंने भी इस वीडियो को दोबारा देखना हो वो यूट्यूब पर देख सकता है। और कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, तो आप वहां पर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।